गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। दिस इज बरखा गौर, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे एंड यू आर डूइंग वेल एट योर होम। आई होप यू आर ऑल्सो वॉचिंग आर वीडियोज सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 9 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, दैट इज बायो मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई सजेस्ट यू टू ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स सो दैट वी कैन रेफर टू द डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस, यू कैन मार्क देम। सो दिस चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। सो द वर्ड बायो मॉलिक्यूल्स मीन्स द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन आर बॉडी। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन्स दीज काइंड ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स आर बॉडी का जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमने ये तक तो पढ़ लिया कि भाई बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल। नाउ सेल के अंदर भी हम न्यूक्लियस भी का भी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस के अंदर भी जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है या और भी जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, उन सब का मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इसमें पढ़ाई करने जा रहे हैं। सो द कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन देम एंड द मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लाइफ एंड द लास्ट इज एंजाइम्स। तो ऑल दीज थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। नाउ एज आई टोल्ड यू, बायो मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो दीज आर द वी कैन कॉल देम एज केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर डिवाइडेड इन टू टू काइंड, दैट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। If you read the introduction part of your chapter from the book, you will find out different methods कि भाई हम किस तरह से किसी भी living organisms जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, organic and inorganic। तो organic compounds जैसे जो carbon और hydrogen से मिलकर बनते हैं और inorganic is the non-living part। तो how these two types of particles या two types of biomolecules make our living organism? Inorganic biomolecules include minerals, gases, water and organic biomolecules. And biomolecules, organic biomolecules include carbohydrates, fats, proteins, nucleic acids, vitamins and etc. तो आपने ये चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब हम डाइजेशन में भी पढ़ते हैं एंड वी नो दैट वी टेक दीज थिंग्स फ्रॉम आर फूड। ये सारा फूड के थ्रू भी हमारी बॉडी में जाता है और ये हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं। तो दीज आर ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन आर बॉडी। डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एज देयर केमिकल फॉर्म्स। केमिकली दे आर प्रेजेंट इन दीज फॉर्म्स एंड द एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, दे आर ऑल्सो द बायोकेमिकल फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नाउ वी कैन अकॉर्डिंग टू देयर साइज वी कैन डिवाइड बायोमोलिक्यूल्स इन टू टू टाइप्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो साइज के अकॉर्डिंग माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड माइक्रो मीन्स द बिगर मॉलिक्यूल्स। इफ वी टेक एन एक्सट्रैक्ट, अगर हम किसी भी टिश्यू को पूरा डिजॉल्व करके उसमें टार्ट्रिक एसिड में या एसिटिक एसिड में डिजॉल्व करके उसका एक सॉल्यूशन बना लें और उसको फिल्टर करें, तो हमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक तो नीचे जो फिल्ट्रेट मिलेगा वो, और ऊपर जो रेसिड्यू बन जाता है उसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व हो जाएंगे, स्मॉल साइज के हैं और फिल्टर में से पास आउट हो जाएंगे, वो कहलाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स दे हैव स्मॉल साइज और फिल्टर करने से वो नीचे सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो दे कंटेन वाटर, गैसेस, शुगर, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। बट माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर ऑफ बिगर साइज, दैट मीन्स दे विल नॉट फिल्टर फ्रॉम द फिल्ट्रेट एक्सेप्ट लिपिड्स। लिपिड्स आर द एक्सेप्शन क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं और ये हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू गो थ्रू द फिल्टर पेपर या फिल्टर वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमने उसको वो रहेंगे किस कैटेगरी में, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ रहेंगे, लेकिन वो एक्चुअली हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो ऑल द माइक्रो मॉलिक्यूल्स या ऑल द बायो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर। जैसे ग्लूकोज के मोनोमर्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीमर एंड ग्लूकोज इज अ मोनोमर। लिपिड्स की हम बात करते हैं थोड़ा, तो लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। दे कुड बी सिंपली फैटी एसिड्स हो सकते हैं वो, जैसे पामेटिक एसिड, या फिर वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। देन अदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल, विच इज फॉर एग्जाम्पल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन।
Some fatty acids are found esterified with glycerol like monoglycerides and diglycerides and triglycerides. So, ये भी lipids है. Lipids के बहुत सारे forms हम देखेंगे. Some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compounds in them. तो ऐसे compounds जिनमें phosphorus और phosphorylated organic compounds present होते हैं तो उनको हम phospholipids कहते हैं. And they are found in cell membrane. अपन हमने cell membrane का structure पढ़ा है. Bilipid layer होती है ना, और बीच में प्रोटीन होता है. तो दीज आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल लेसिथिन. तो ये था लिपिड्स के बारे में. अब हम ये देखते हैं जो मेन हमारे जो तीन हैं, एक तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लियोटाइड्स, इनमें किस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स. मीन्स एमिनो एसिड्स आर गैदरिंग टुगेदर या लिंकिंग टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन्स. एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. आपको बॉन्ड लिंकिंग में ये जरूर याद रखना है कि प्रोटीन्स कौन से बॉन्ड बनाते हैं, या एमिनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. और ये कैसे बनता है ये अभी आपको समझाएंगे. इट इज़ फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रेशन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ वन एमिनो एसिड एंड अमोनिया ग्रुप ऑफ नेक्स्ट. तो आप यहाँ पे देखो, ये एक एमिनो एसिड है और ये दूसरा एमिनो एसिड है. ये जब मिलेंगे आपस में तो इनका एक का COOH ग्रुप और एक का NH3 ग्रुप, ये मिलकर इस तरह से ये आपस में लिंक होंगे कि वाटर मॉलिक्यूल इनमें से एलिमिनेट होगा. तो इन दिस वे द बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज रिमूव्ड. तो इन दिस वे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये इस तरह से ये एक एमिनो एसिड कंबाइन होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं. इस एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कैसे. देखो, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है एंड टू एमिनो एसिड्स आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड. नाउ वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज ज्विटर आयन फॉर्मेशन. देखो, एमिनो एसिड्स में आयोनाइजिंग नेचर होता है. दैट मीन्स दे चेंज देमसेल्स, आयोनाइज हो जाते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. तो एट लो पीएच, ये देखिए NH3 यहाँ पे CH है और ये COOH है. तो एट लो पीएच पे तो ये इस फॉर्म में रहेगा और ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करता है. किस तरह से, यहाँ पे एक आयन का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे भी एक आयन का फॉर्मेशन हुआ है. तो दिस फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड इज कॉल्ड ज्विटर आयन. इट इज इन दिस फॉर्म ये कब प्रेजेंट होगा, न्यूट्रल पीएच पे. और हाई पीएच होगा तो इस तरह से ये COOH का एक एच भी हट गया और NH3 का वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. तो एट हाई पीएच इस फॉर्म में होगा, एट लो पीएच इस फॉर्म में होगा, एंड एट न्यूट्रल पीएच पे ये ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करता है. इन न्यूक्लिक एसिड, नाउ वी टॉक अबाउट न्यूक्लिक एसिड. फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिंक्स 3' एंड ऑफ शुगर, मतलब थर्ड शुगर, थर्ड कार्बन ऑफ शुगर को वन न्यूक्लियोसाइड से और दूसरा तरफ 5' एंड के कार्बन के शुगर से वो अटैच होते हैं. तो एक तरफ से थर्ड कार्बन और दूसरी तरफ से 5' पर दूसरा न्यूक्लियोसाइड अटैच होगा. दैट मीन्स 3' एंड पर तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और 5th कार्बन पर नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड अटैच होगा, एंड देयर ऑल्सो वाटर इज रिमूव्ड. तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिमूव्ड टू फॉर्म 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो आपको क्या याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड जब कंबाइन होते हैं तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं. अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज पॉलीसेक्राइड्स. तो इसमें जो आपके मोनोमर्स होंगे वो मोनोसेक्राइड्स होंगे. तो मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. तो हमने तीन चीज़ें देखी हैं, प्रोटीन्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड पॉलीसेक्राइड्स आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. एंड दे आर फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेक्राइड्स. No, you can refer this figure, this topic in your book also. Now, this is the structure of carbohydrate, that means polysaccharide. Polysaccharides are long chain of sugar containing different monosaccharides as a building block. That means polysaccharides jo hain wo building block kis se milkar bane hue, monosaccharide se. Yahan pe dekh sakte ho aap, ye ek sugar hai, ye ek sugar hai, aur yahan pe bhi dekhiye water molecule eliminate ho raha hai. तो स्टार्च इज प्रेजेंट. जब प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं, एंड दे एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, एंड दे फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर विच कैन होल्ड द 12 मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल स्ट्रक्चर. मतलब ऐसे तरह से वाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक बार में 12 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं. नाउ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स,
contain glucose molecules joined by 1,4 beta linkage. It means हम बात कर रहे हैं सेल्यूलोज. सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. तो इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ. तो सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन विच इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च एंड इट इज द रिजर्व फूड मटीरियल फॉर एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी. तो ये ग्लाइकोजन एनिमल्स की बॉडी में स्टोर रहता है. And in this molecules, glucose molecules are arranged in highly branched bush-like structure, having two types of linkage. एक तो 1,4 alpha in straight chain and 1,6 linkage in branching. तो एक तो straight chain के form में present होगा, एक branching chain के form में present होता है. Now हम बात करेंगे proteins के बारे में. Proteins are polypeptide chains made up of amino acids. तो प्रोटीन्स जैसे कि हमने बताया एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है. देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स जॉइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स मिलकर ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाते हैं बिटवीन एमिनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये हमने अभी देखा था किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स फाउंड. First is essential amino acids which are obtained by living organisms along with food. तो ये कहाँ present होंगे? हमारे body में present होंगे. And non-essential foods can be prepared by our body from raw material. That means अगर ये तो हम हमारी body में already present होंगे और ये हम food से obtained करते हैं. तो these are essential and these are non-essential. These are the examples of amino acids: glycine, alanine and serine. The structure of these are given in your book also. So, glycine, alanine and serine. These are the amino acids. Function kya hai amino acids ka? Ya protein ka? So, transport of nutrient across the membrane. Hum active transportation padhenge aage ke chapters mein. To jab active diffusion hota hai, to proteins mein jo membrane hoti hai, uske protein help karte hai material ko transfer karne mein. Also, they fight infectious or organisms and they produce enzymes and proteins. Now the collagen is the most abundant protein in animal world. So sabse zyada amount mein jo protein present hota hai wo collagen fiber hai. Now we can see that protein can be categorized into four type of structures depending on their matlab kitna complex hai uske upar depend karega. Primary structure bilkul simple hai, then secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. We'll see one by one. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं. द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन विच अ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आर इन्वॉल्व होंगे लेकिन स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होंगे हैविंग अ सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स. द फर्स्ट एमिनो एसिड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन टर्मिनल. यू कैन रेफर दिस डायग्राम इन योर बुक. एन टर्मिनल एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा स्टार्टिंग वाला. एंड लास्ट एमिनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सी टर्मिनल एमिनो एसिड. तो फर्स्ट वाला एन टर्मिनल एंड लास्ट वाला सी टर्मिनल एमिनो एसिड. तो इन दिस वे ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये इस तरह से अरेंज रहता है. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट चेन है और इसको अगर हम जूम करके देखें तो दीज आर द एमिनो एसिड्स विच आर लिंक टूगेदर. ओके, तो ये एक एक एमिनो एसिड्स हैं ये जो आपस में जुड़े हुए हैं. दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. एंड टर्शरी में देखिए ये आपस में कॉइलिंग हो रही है, कॉइल के अंदर ही फोल्डिंग के अंदर फोल्डिंग हो रही है. तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज टर्शरी स्ट्रक्चर. नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थ्रेड फॉर्म्स हेलिक्स. अभी हमने देखा डायग्राम में हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर: अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन. तो ये इन तीनों से मिलकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है. इन अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉइल्ड स्पाइरली इन राइट हैंडेड मैनर. तो राइट साइड में जैसे कि डीएनए का मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड में रिवॉल्व होता है इसी तरह से प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी राइट हैंडेड साइड में होते हैं. Then in beta pleated structure protein two or more polypeptide chains are interconnected by hydrogen bonds. So hydrogen bonds se ye bhi jude hue honge. In collagen there are three strands or polypeptides coiled around one another by hydrogen bonds. So collagen fiber mein is tarah se ye present hote hain ki teen strands hain
और वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लॉन्ग प्रोटीन चेन इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। अभी हमने देखा था डायग्राम में, आपस में फोल्ड हो रहा है, फोल्डिंग के अंदर फोल्डिंग चल रही है, लाइक अ हॉलो बॉल ऑफ वूलन, बॉल ऑफ वूल की जैसे बॉल होती है इस तरह से, टू गिव द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ईच पॉलीपेप्टाइड डेवलप्स इट्स ओन टर्शरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक तरह का टर्शरी प्रोटीन है, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है प्रोटीन का इसमें। इन एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें से 2 सब यूनिट्स अल्फा टाइप की होती हैं और 2 सब यूनिट्स बीटा टाइप की होती हैं। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन। यू कैन सी हियर अमीनो एसिड्स की चेन के फॉर्म में बताया हुआ है। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, स्ट्रेट चेन है। दिस इज द अल्फा हेलिक्स एंड प्लीटेड शीट्स विच आर शोइंग सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ पेप्टाइड बैकबोन कॉजेज द अमीनो एसिड्स। ये जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनमें इतना अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है कि ये फोल्ड होकर एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं। टर्शरी में 3 डायमेंशनल फोल्डिंग पैटर्न ऑफ ए प्रोटीन ड्यू टू साइड चेन इंट्रैक्शन। तो ये भी आपस में इंट्रैक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म टर्शरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। सिमिलरली और कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्वार्टरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 एमिनो एसिड चेन। नाउ वी टॉक अबाउट द अनादर बायोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड इज द मेन पार्ट ऑफ डीएनए। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की चेन है। इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अ न्यूक्लिक एसिड हैज 3 बेसिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। तो तीन पार्ट से मिलकर, तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना है। वन इज नाइट्रोजनस बेस, देन पॉलीसैक्राइड्स शुगर प्रेजेंट होगी या तो राइबोस तो आरएनए, एंड डीऑक्सीराइबोस होगा तो डीएनए में ये शुगर प्रेजेंट होती है। एंड द थर्ड थिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड इज फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड। नाउ लेट अस सी सम डिटेल इन फॉर नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो बेस हैं वो एडिनाइन एंड गुआनाइन है। पायरिमिडिन्स बेसिस में आ जाता है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन एंड थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होते हैं एंड साइटोसिन एंड यूरेसिल आर प्रेजेंट इन आरएनए। सो दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस। अब शुगर की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ शुगर वी हैव सीन, एक तो राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। एंड द बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेन। ये तो हुए सारे बायोमोलिक्यूल्स की बात। अब एक चीज़ होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे वर्क्स या बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। तो दैट मीन्स कि वन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अनादर इज ब्रोकन। इस तरह से कुछ बनता है, कुछ ब्रेक डाउन होता है, कभी डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। तो सो मैनी प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी विच आर नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मींस द बायोमोलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल। तो कुछ बन रहा है, कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल प्रोसेस विच इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितनी भी सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं वो एंजाइम द्वारा कैटलाइज्ड होती है। मीन्स एंजाइम कैटलाइज करता है सारी रिएक्शंस को। अब एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है या किस तरह से पूरी रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो अभी हम देखेंगे। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ड्रास्टिकली ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंड द प्रोटीन विद कैटलिटिक पावर इज कॉल्ड एंजाइम। मेटाबॉलिक प्रोसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो देखिए द मेटाबॉलिक पाथवे दैट लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपलर। दो तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं मेटाबॉलिक को, एक तो कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मीन्स कुछ स्ट्रक्चर का, अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक या बायोसिंथेटिक। और अगर कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू सिंपलर वन तो उसको कहते हैं हम कैटाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक पाथवे, है ना। तो इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी बजाय रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, कैटाबॉलिक पाथवे। नाउ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन द वर्ल्ड, जो सारे प्रोसेसेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन स्टेडी स्टेट
characterized by concentration of each of the metabolite. हमारी बॉडी में हर चीज़ एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, है ना, और उसका कंसंट्रेशन का एक इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है. लेकिन एक लिविंग स्टेट में कभी भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता है. अगर इक्विलिब्रियम आ गया दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इज डेड. तो ऑलवेज देयर इज कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है और चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह बनती रहती हैं, ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं. तो उसको हम कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट, तभी बॉडी वर्क करेगी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट एंजाइम्स, अब हम एंजाइम्स की बात करते हैं इन डिटेल. तो ये नेचर में प्रोटीन होते हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैटलाइजिंग द केमिकल रिएक्शंस. कैटलाइजिंग करना मतलब मेनली ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन की को स्पीड अप करना. सो दे आर एज दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स तो दे आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट. द न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स आर कॉल्ड राइबो एंजाइम्स. तो कुछ न्यूक्लिक एसिड भी एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, जैसे डीएनएज एंड आरएनएज, तो दे आर कॉल्ड एज राइबो एंजाइम्स. नाउ यू कैन सी इस ग्राफ से आप ये समझेंगे कि एंजाइम्स किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है और एक्टिवेशन एनर्जी. देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी. तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लो. आप यहाँ देखो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम देखें तो कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, और अगर विदाउट एंजाइम अगर कोई रिएक्शन चल रही है तो दैट मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड इन मोर क्वांटिटी. ठीक है, तो एक्टिवेशन आप इससे समझ सकते हैं कि एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरह से रिएक्शन को कंट्रोल करता है, स्पीड अप करता है. Now let us see the tertiary structure of protein या enzyme का structure देखते हैं. Enzyme किस तरह से work करता है, एक तो present होता है substrate. Substrate enzyme से जुड़ेगा, substrate will combine with enzyme and they will form enzyme substrate complex. Then जब enzyme substrate combine होकर enzyme product बनाएंगे. Substrate enzyme के साथ react करता है, react तो नहीं करता actually, वो support करता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाता है एंजाइम प्रोडक्ट. है ना, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनते हैं एंड देन एंजाइम इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम इज अगेन रेडी टू इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट रिएक्शन. तो इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट. अभी देखा हमने, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनता है थोड़ी सी देर के लिए. द मेजर डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट. अब देखिए कुछ कैटलिस्ट यानी एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं. अगर इन एंजाइम्स को, ऑर्गेनिक एंजाइम्स को अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दें तो ये डीनेचर्ड हो जाएंगे, जबकि इनऑर्गेनिक एंजाइम्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकते हैं. जैसे कि कोई हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं अपने लेबोरेटरीज में तो वो इनऑर्गेनिक एंजाइम्स की मदद से हो सकते हैं. एंड what is activation energy? The external energy required to start a chemical reaction is the activation energy. यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से ये substrate और ये enzyme ये आपस में जुड़ेंगे और ये बन गया enzyme substrate complex. तो substrate product भी बना and then enzyme is separated और फिर enzyme और substrate दोनों अलग हो जाएंगे, enzyme और product भी दोनों अलग हो जाएंगे. तो in this way the substrate combined with enzyme. Now we'll see the factors affecting enzyme activity. Different factors होते हैं जैसे temperature और pH, substrate का concentration, ये सब चीज़ें मिलकर पूरी activity को या पूरी reaction को control करती हैं. तो एक optimum temperature चाहिए for performing the reaction. अगर थोड़ी देर के लिए हम pH या temperature थोड़ा जब increase करेंगे तो rate of reaction भी increase होगी, but after a certain limit अगर हम और टेम्परेचर या और पीएच को इंक्रीज करते हैं तो एक्टिविटी डाउन हो जाएगी या रेट ऑफ रिएक्शन विल स्लो डाउन. सिमिलरली पीएच की बात करें, अभी समझा दिया मैंने पीएच आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है, इफ़ वी इंक्रीज इनिशियली अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग में तो रिएक्शन फास्ट होगी, बट जब एंजाइम सबस्ट्रेट और नहीं बचेगा और एंजाइम भी नहीं बचेगा तो द रिएक्शन विल बिकम स्टेबल. ऐसे ही कुछ
चीज़ें रहती हैं, सब्सटेंस रहते हैं जिनको इनहिबिटर कहते हैं, मीन्स जो रिएक्शन को स्लो डाउन करेंगे. तो व्हेन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, तो इनहिबिटर क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं रिएक्शन को. वो सबस्ट्रेट जैसे ही रहते हैं लेकिन वो एंजाइम के साथ अगर अटैच हो जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी. नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन एंजाइम ऑफ एंजाइम. तो एंजाइम्स का जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे प्रोसेसेस में. तो ये अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग तरह के रिएक्शंस में वर्क करते हैं. कैसे करते हैं, सपोज रिएक्शन है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. दे दीज आर द एंजाइम्स विच कैटलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स. मान लो एस एक सबस्ट्रेट है और एक एस डैश दूसरा सबस्ट्रेट है, तो एक रिड्यूस होगा और एक ऑक्सीडाइज होगा. तो इन दिस वे दीज एंजाइम helps in the these reaction. Second, transferase. These enzyme catalyze a transfer of group. ये transferase नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये enzyme क्या करेगा, group को transfer करेगा between a pair of substrate S and S dash. तो ये अभी यहाँ पे था ये group S के साथ, अब यहाँ पे ये S dash के साथ आ गया. ठीक है, तो ये transfer करने में, group को transfer करने में help करता है. Then hydrolase, it catalyze the hydrolysis of peptide ester glycosidic bonds. ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक, जैसे कार्बन कार्बन या कार्बन हैलाइड या फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में ये कैटेलाइज करता है. लाइएज एंजाइम, इट रिमूव्स द ग्रुप ऑफ वन ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, तो ग्रुप को रिमूव करेगा. आइसोमरेज, इट कन्वर्ट्स ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल पोजिशनल आइसोमर आपस में चेंज करते हैं, तो इंटर कन्वर्जन ऑफ द आइसोमर्स. एंड लाइगेज द लास्ट एंजाइम कैटेलाइज द लिंकिंग together of two compounds. तो ये जोड़ने का काम करता है ये enzyme. Now some other cofactors या कुछ और helping चीज़ें होती हैं, जैसे कि cofactors. अब cofactor में दो parts होंगे, protein part और non-protein part. तो non-protein constituent of enzyme makes the enzyme more catalytically active, और protein part होगा जिसको हम apo enzyme कहते हैं. नाउ को फैक्टर्स थ्री तरह के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स के, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स एंड मेटल आयंस. जब भी हम किसी रिएक्शन में देखते हैं, कई बार कोई जैसे जिंक की प्रेजेंस में हो रहा है या मैग्नीशियम की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये मेटल आयंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द रिएक्शन. ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ ट्रांजिट एसोसिएशन, थोड़ी सी देर के लिए ही अटैच होते हैं, एंड दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जरूरी है रिएक्शंस में, तो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम. एंड एग्जाम्पल है परऑक्सीडेज एंड कैटलेज विच कैटलाइज द ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. दैट इज फॉर एग्जाम्पल हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप. द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ एनी को एंजाइम्स आर विटामिन्स. विटामिन्स की भी जरूरत है, जैसे आपने देखेंगे फोटोसिंथेसिस में ये NAD और NADP, निकोटिनामाइड, एडेनाइन, डाइफॉस्फेट, दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन सम रिएक्शन. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल्स. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. सो वॉच द वीडियो. And if you have any doubts, we can discuss in the doubt session. Okay, take care. Goodbye.